आउटर दिल्ली के निहाल बिहार के लक्ष्मी पार्क इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी और 10 साल के बेटे की बेसबॉल के डंडे और चाकू से वार करके हत्या कर दी, जिसके बाद फांसी लगाकर खुद को भी मौत के हवाले कर दिया। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर भैंस मंडी के अंदर 5 दुकानों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के घरों में आग का काला धुआं दूर से दिख रहा था। भैंस मंडी के अंदर दुकानदार का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फायर अधिकारी का कहना है कि आग कैसे लगी ये जांच का विषय है। आग में खाने के ढाबा और कोल्ड ड्रिंक की दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि गनीमत रही कि इस आग में कोई भैंस या कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में हाई प्रोफाइल चोरों का आतंक। इनोवा गाड़ी से आए 4 चोरों ने कपड़े के शोरूम को बनाया निशाना। 12 लाख के कपड़ों पर किया हाथ साफ। पूरी वारदात का सीसीटीवी आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल होटल ताज मानसिंह, होटल कनॉट और होटल एशियन की नीलामी करेगा। इन होटल्स की लीज खत्म हो जाने के बाद म्युनिसिपल काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया। दूसरे चुनाव के लिए एबीवीपी एनएसयूआई ने अपने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। 12 सितंबर को मतदान होना है। फिलहाल डुसू पर एबीवीपी का कब्जा है। इस बार एबीवीपी के लिए अपनी साख बचाना बड़ी चुनौती होगा, तो एनएसयूआई की कोशिश वापसी की होगी। परिणामों की गिनती की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। एक तरफ पूर्वी नगर निगम ने तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज कर गाजीपुर में जानलेवा कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया, तो दूसरी तरफ एमसीडी कूड़े उठाने में भी अदालत की गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। एमसीडी के ट्रक तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर अदालत को ठेंगा दिखाकर अपनी सफाई कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। एमसीडी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। गाजीपुर हादसे के बाद हरकत में आई सरकार। एलजी ने अधिकारियों और दिल्ली सरकार के मंत्री के साथ की बैठक। बैठक में सॉलिड वेस्ट संयंत्र की क्षमता बढ़ाने का दिया निर्देश।